क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, ए की किस वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है हमने। इफ द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस एक्स माइनस ए, ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये किसके इक्वल है 5 के, और साथ में एक कंडीशन और दी है कि x की वैल्यू क्या रखनी है इस एक्सप्रेशन में, 0 रखनी है। तो पहले हम एक्सप्रेशन कॉपी कर लेते हैं 2x² प्लस एक्स माइनस ए और उसको किसके इक्वल लिखना है 5 के, और x की जगह हमें क्या लेना है 0, तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 आ जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे 0² प्लस 0, इधर भी x की जगह 0 आ गया, माइनस ए इज इक्वल टू 5। ओके, अब 2 इंटू 0 की पावर 2 क्या होती है, हमेशा पावर को पहले सॉल्व करना होता है, तो 0 की पावर 2 क्या होगी, 0 इंटू 0 0 ही होगी, तो यहां पर हमारे पास 2 इंटू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0² क्या होगा 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो यहां 0 आ जाएगा। इस 0 को भी हम ऐसे लिखेंगे माइनस ए इज इक्वल टू 5। अब एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 प्लस 0 माइनस ए इज इक्वल टू 5। अब 0 प्लस 0 0 ही होता है और माइनस ए हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा, तो माइनस ए किसके इक्वल हो गया 5 के, लेकिन हमें ए की वैल्यू निकालने की। तो अगर कभी भी ऐसा हो ना माइनस ए इज इक्वल टू कुछ नंबर इज इक्वल टू यहाँ पर आरएचएस में कोई नंबर हो, तो इस माइनस के साइन को हम उधर शिफ्ट कर सकते हैं इस आरएचएस वाले नंबर के साथ। ऐसा क्यों कर सकते हैं, अगर मान लो माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, माइनस 1 ए हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा 5। अब ए की वैल्यू क्या होगी, इधर माइनस 1 मल्टीप्लाई में है ए के साथ, इधर जाके क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ए की अल्टीमेटली ए की वैल्यू क्या रहेगी प्लस माइनस माइनस और माइनस 5 अपॉन 1, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो हमें सेम नंबर मिलता है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 5।